किसी ने ठीक ही कहा है, किसी को कोई भी योग्य चीज उस समय तक नहीं मिलती जब तक वह उसके लिए कड़ी मेहनत नहीं कर सकता। एक छोटी सी कहानी ये आपको सिखाती है कि कड़ी मेहनत से आप कुछ भी कर सकते हैं। स्कॉटलैंड का एक युवक एंड्रॉयड कार्नेगी अमेरिका आया और गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करने लगा। एक दिन वह अमेरिका की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री का मालिक बन गया। एक ऐसा भी समय आया जब इसके अंडर 43 करोड़पति लोग काम कर रहे थे। 50-60 साल पहले $1 million बहुत सब पैसा होता था, आज भी वह बहुत ज़्यादा ही होता है। किसी ने कार्नेगी से पूछा कि आप लोगों से कैसे पेश आते हैं? तब कार्नेगी ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना सोने की खुदाई करने की जैसी ही है। जब आप एक तोले सोने के लिए खुदाई करते हैं तो उसे पाने के लिए आपको टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन जब आप खुदाई के लिए जाते हैं तो आपका ध्यान मिट्टी पे नहीं, हमेशा सोने पे होता है। तो ये कहानी बताता है कि जब आप ज़िंदगी में कोई बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए कठिनाई भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन आपका ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पे होना चाहिए, इस कठिनाइयों पे नहीं। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।